खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। खबर स्टेशन में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में सीबीआई के अनुसार आरोपियों ने बताया कि स्विफ्ट सिस्टम में लॉगिन के लिए अकाउंट डिटेल और पासवर्ड नीरव की टीम के पास रहते थे। उनके पास स्विफ्ट सिस्टम का पासवर्ड था जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए जरूरी है। नीरव के लोग पीएनबी अधिकारी के तौर पर अवैध तरीके से स्विफ्ट सिस्टम को लॉगिन करते थे। सूत्रों की माने तो आरोपियों को बदले में कमीशन मिलता था। हर एलओयू और स्विफ्ट सिस्टम के अवैध एक्सेस पर प्रतिशत तय था। ये रकम घोटाले में शामिल कर्मचारियों के बीच बढ़ती थी। पूछताछ में करीब आधा दर्जन बैंक कर्मचारियों और अन्य बाहरी लोगों का हाथ भी घोटाले में पता चला है। सीबीआई ने चौथे दिन भी नीरव मेहुल के ठिकानों पर ईडी के छापे जारी रखे। 15 शहरों में 45 और ठिकाने खंगाले गए। बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, श्रीनगर और जालंधर में हुई कार्रवाई के दौरान 20 करोड़ रुपए के हीरे और सोना जब्त किया गया। अब तक 5,694 करोड़ रुपए के हीरे, सोना और ज्वेलरी जब्त किए जा चुके हैं। सीबीआई को पीएनबी में 11,394 करोड़ रुपए के घोटाले की रकम ज्यादा होने की आशंका है। जांच एजेंसी ने रविवार को सभी बैंकों और उनके यहां एलओयू में हुई गड़बड़ियों की रिपोर्ट मांग ली है। सूत्रों के मुताबिक कई एलओयू मई 2018 में मैच्योर होंगे। ऐसे में घोटाले की रकम 11,394 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा हो सकती है। इस बीच पीएनबी के 10 सस्पेंड कर्मचारियों से सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ की। नीरव के सीएफओ विपुल अंबानी से भी पूछताछ की गई। विपुल रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी के चचेरे भाई हैं। सीबीआई गीतांजलि समूह की 18 कंपनियों की बैलेंस शीट की भी जांच कर रही है। खबर स्टेशन की रिपोर्ट।